ये देखिए आगरा में विदाउट टिकट का खेल। इस खेल को देख आप भी हो जाएंगे हैरान। इस खेल को किसी और ने नहीं बल्कि रोडवेज विभाग के ही एक अधिकारी ने उजागर किया है। रोडवेज अधिकारी ने बस में बैठी सवारी और टिकट में मिलान किया तो अधिकारी दंग रह गया। तत्काल अधिकारी ने परिचालक से टिकट मशीन अपने कब्जे में लेनी चाहिए। फिर क्या था, शुरू हो गया परिचालक का फिर्मी ड्रामा। परिचालक ने माफी मांगना शुरू कर दिया और तो उसने अपनी नौकरी बचाने के लिए आत्महत्या तक की धमकी दे डाली और अधिकारी की गाड़ी के सामने जाकर लेट गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दरअसल मामला आगरा फतेहाबाद रोड पर चल रही जनूरम की बस का है। बसों में जब चेकिंग की गई तो बस में 17 सवारी बिना टिकट पाई गई। आपको बता दें ये सारा मामला चेकिंग के दौरान सामने आया जब रोडवेज अधिकारी ने बस में बैठी सवारी और टिकट में मिलान किया तो अधिकारी भी दंग रह गया। बस में 17 सवारियां बिना टिकट सफर कर रही थी। परिचालक का नाम मनीष शर्मा बताया गया है। आरपी गिरी निदेशक ने बताया मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी, दोषी पाए जाने पर संविदा समाप्त कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जांच करा रहे हैं, उसमें जांच के बाद तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी। क्या प्रकरण में क्या आया था मामला? डब्ल्यूटी का प्रकरण है जिसमें वो अवरोध उत्पन्न उसके द्वारा किया गया है। टिकट बिना टिकट यात्रियों को ले जाते हुए पकड़ा गया लेकिन लिखने नहीं दे रहा है, ऐसा मामला आया है। उसमें क्या कार्रवाई में क्या समाप्त हो गया ऐसा क्या? अगर दोषी जांच में आता है तो संविदा समाप्त करने की ही कार्रवाई की जाएगी। रहती है तो। टीवी 100 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।